मटर का सीजन हो तो मटर का हलवा खाने की इच्छा हो ही जाती है, लेकिन तब और भी मज़ा आता है जब हम परोसते मटर का हलवा है और स्वाद आता है पिस्ते का। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले 1/4 कप पिस्ता लेंगे और इसे क्रश करेंगे मिक्सर में। क्रश करते समय हमें ध्यान रखना है कि पीसना नहीं है इसको, हल्के हल्के दाने, थोड़े मोटे दाने रहने चाहिए जिससे जब हम हलवा खाएं तो इसका स्वाद आए। इसको पीस के एक बार अलग कर लेते हैं। ये मैंने देखिए पीस के इसको रख लिया है। 1 कप मटर के दाने लिए हैं मैंने, एकदम हरे हरे दाने हैं ये, और अब हम इन्हें मिक्सी में क्रश कर देंगे। क्रश करते समय ध्यान रखना है कि ये दानेदारी रहे, बहुत ज़्यादा इसको नहीं पीसना है हमको। इस तरीके का जो मैंने दिखाया बस ऐसा ही आपको रखना है। और अभी से इसे भी अलग निकाल कर आप रख लें। अब एक फ्राई पैन लें और इसमें 100 ग्राम मावा डालें। अगर आप कप से ले रहे हैं तो ये मावा 2/3 कप रहेगा, और आप इसे मीडियम फ्लेम पर हल्का हल्का सेक लें। ये अपने आप मेल्ट होने लगेगा और जब मेल्ट हो जाए तो हल्का सा ब्राउन कलर देगा। ये देखिए इसका एकदम हल्का हल्का ब्राउन कलर आ गया है। और अब इसे भी एक बाउल में अलग कर लेते हैं। इसी पैन में 1/4 कप घी डालेंगे और साथ में डालेंगे जो मटर हमने क्रश किए थे वो। ये मटर मैं इसमें डाल देती हूँ। इसको हमें अच्छी तरह से सेकना है। मटर को कढ़ाई छोड़ने तक हमें सेकना है, अच्छे से ये सिक जाए। वैसे मैं आपको बता दूं, डायबिटीज़ को रोकने में मटर बहुत काम करता है। वज़न कम करने के अलावा आँखों को स्वस्थ भी रखता है। तो सीज़न में मटर खूब खाएं, चाहे हलवा बनाकर या सब्ज़ी बनाकर। ये देखिए सिक गया है, कितना बढ़िया। कढ़ाई को भी छोड़ दिया है इसने, बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। इसका मतलब ये मटर सिक गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पिस्ता। पिस्ते को ज़्यादा नहीं सेकना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट तक के लिए ही हमें इसे सेकना है, नहीं तो इसका स्वाद चला जाएगा। तो पिस्ते को बस 1 मिनट के लिए आप अच्छे से इसमें मिलाएं। और अब 1 कप पानी डाल दें इसमें, पूरा 1 कप पानी डलेगा। ये देखिए पूरा पानी मैंने डाल दिया है इसमें, 1 कप पूरा पानी डलेगा। और अब इसे लगातार हिलाएं, हमें तब तक हिलाना है जब तक ये घी नहीं छोड़ दे। आप देख सकते हैं ये अच्छे से सिक गया है और घी छोड़ना इसने हल्का हल्का शुरू कर दिया है। अब आप इसमें मावा मिला लें। मावा ऑलरेडी सिका हुआ है इसलिए हमें और सिकने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से इसके अंदर मिल जाए इतना ही मिलाना है। बस अच्छे से इसे मिला लीजिए। अभी आपको इसमें घी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही चीनी डालेंगे हलवा घी छोड़ना शुरू कर देगा। अब हम इसमें चीनी डाल देते हैं। चीनी हमने 1/2 कप लिया है, ये करीब 100 ग्राम के आसपास चीनी है। आप 1/2 कप चीनी इजीली डाल सकते हैं, एकदम सही सही रहेगी ये। और इसे अच्छे से मिला लें। देखिए घी छोड़ दिया है हलवे ने और बहुत अच्छा कलर आया। अब इसमें हम मिलाएंगे 1/4 टीस्पून कुटी हुई इलायची। इलायची से बहुत अच्छा खुशबू आता है हलवे में, तो ये ज़रूर मिलाएं हलवे में। हलवा हमारा रेडी हो गया है एकदम। देखिए कितना सुंदर कलर आया है, ये कलर आया है पिस्ते की वजह से हलवे का। आप अगर वो ग्रीन कलर देखेंगे मटर वाला, वो कलर नहीं है, ये एकदम ओरिजिनल कलर है। जब सर्व करेंगे तो भी नहीं लगेगा कि ये मटर का हलवा है। और अब इसे हम एक बाउल में डाल लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर है हलवे का। अब इसे काजू से गार्निश कर लेंगे। डेकोरेट करने से चीज़ और सुंदर हो जाती है, तो इसे अच्छे से सजा लें। ये देखिए एकदम रेडी है मटर का हलवा।